करना है कि आपने गिरिया किस अंदाज से करना है, आपने रोना किस अंदाज से। जो इंसाफ बने चार मिसरों का, इनके चार मिसरे नहीं है। बीबी की मजलूमियत का थोड़ा सा अंदाजा करने के लिए पेश कर रहा हूँ कि दुनिया में आपने बीबी से जो मांगा, बीबी दौलत दे दे, इज्जत दे दे, शोहरत दे दे, औलाद दे दे, शिफा दे दे, रिस्क दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बीबी ने सब कुछ आपको दिया। हाथ उठाओ, क्या बीबी ने नहीं दिया? दिया है ना, अल्लाह ने तुम्हें बीबी के वसीले से सब कुछ दिया है ना। अब आज अगर बीबी तुम्हारे दरवाजे पर आंसू लेने आए, तुम्हें चार मिसरों में अंदाजा लगाना कि बीबी की मजलूमियत क्या है, और फिर कैसे रोके गिरिया करके बीबी को पुरसा देना है कि जब 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 किसी हमें नहीं पता कि अब जिंदगी किसकी कहां तक है, हमारा सभी जानों वाले से डॉक्टर की हिफाजत फरमाए। अल्लाहदारो बस इन्हीं आंसुओं में इस बात को पढ़ना है। आज मैं ये कलाम फजाइल की हैसियत से नहीं, मसाइल की हैसियत से पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आंखों में आंसू ही हमें जिंदा रखते हैं, हमारी आंखों में आंसू ही हमारी कामयाबी है। जो इश्क रसूल में बहते आंसू है, इश्क मोहम्मद वाले मोहम्मद में बहते हुए आंसू है, ये आंसू पानी नहीं है, ये फौलाद की दीवारें हैं, ये फौलाद की दीवारें हैं।
ये दीवारें वो है ना कभी किसी मिलाद को रोक सकती है, ना कभी मिलाद को होने से रोक सकती है। ये वो है जो मिलाद को रोकने के लिए आते हैं उसके लिए दीवार बन जाती है, जो मजलिस को रोकने के लिए आते हैं उसके लिए दीवार। ये इश्क रसूल में बहते हुए आंसू, इश्क हुसैन में बहते हुए आंसू, इश्क मोहम्मद आले मोहम्मद में बहते हुए आंसू। तो जिसकी माँ ने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर, नादिया अली पढ़कर, अल्लाह अकबर कहकर, या रसूल अल्लाह कहकर, या अली कहकर दूध पिलाया है, अपने हाथों को फजा में बुलंद करके बोलना, दुश्मन से घबराने की जरूरत नहीं, सारे मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाओ तो दुश्मन की शक्ल खत्म हो जाती है, पूरे करने की ताकत से सारे मिलकर बोलना, हम नहीं होते परेशान मुश्किलें होती है आसान दीवार से है, हम नहीं होते परेशान दीवार से है, मुश्किलें होती है आसान दीवार से है, हम उसको भी लेके अफराते हैं, ये रस्म जिसमें हम शांति है, कोई त्यौहार या कोई मार का घर से जो निकले तो माने चाहते हवार से है मुश्किल खुशा है कामयाबी मुकद्दर तेरा खुशबश तेरा कुछ न कर पाएगा साया फिकर करते फतेह तेरा नसीब और पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को यहाँ पे इस कॉर्स के पढ़ाई सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे बहुत सरगर जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं सबकी जानों वाले जो दाबरू की बाला हिफाजत फरमाए। आज अलदारो अयाम अजा है, अब अयाम अजा का आज विदाई दिन है, एक नोहा पेश कर रहा हूँ आज की तारीख के हवाले से, पुरसा देते हैं इमाम जवानों को, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, रसूल खुदा को पुरसा देते हैं, सैयदा को पुरसा देते हैं, और अलदारो नज़्म करवाले जो काफिला आज आप देख रहे हैं ये काफिले की सूरत में जो जुलूस है अज़दारो, ऐसे ही मजमू मदीने में लगा था जब लौट कर काफिला वापस आया है। इसके बाद ये कलाम पेश कर उसके अभी भी सकीना का पुरसा होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि अब आपने शर्माना नहीं है, रोने गिरिया करने में शर्माना नहीं है, इसलिए कि जिस वक्त अली की बेटी चिल्लू करने करबला आई है तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्ग तरीन सहाबी और कब्र अब्बास के मुजावे हैं, जब उन्होंने ये देखा एक काफिला नाकों पर सवार सवारियों पर आ रहा है, जनाब जाबिर कहते हैं कि काफिले वालों अगर दुश्मन हो तो लौट जाओ, दोस्त हो तो वही रुक जाओ, क्योंकि यहाँ नाकों पर आना बड़ी बेदबी है, जिसने चल कर आना है वो चल कर आना है, नाकों पर नहीं आना, कि यह आम जागीर नहीं है, ये अब्बास सरदार की जागीर नहीं है। जानते हो रोने वाले, मुझे नहीं पता कि मैं किस अंदाज से पढ़ पाऊंगा और आप कैसे सुन पाएंगे, लेकिन हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अज़दारो बीबी सैयदा सलामुल्लाहा की बेटी ज़ैनब आलिया जो नाके पर सवार थी, जाबिर की आवाज़ सुनकर कहती है, चचा जाबिर क्या कहा, जरा दोबारा बताइए किसकी जागीर है। कहा यह अब्बास से अलमदार की जागीर है, जिसने आना है पैदल आए। अभी उस जाबिर को पता नहीं था ये काफिला कौन सा है। बीबी कहती है, ऐ जाबिर जरा अब्बास से जाकर पूछ कर बताना कि ये वो बहन भी पैदल चल कर आए जो कई मील पैदल चली है, जो कई घंटे यजीद के दरबार में शराबी के दरबार में खड़े हाँ शर्माते क्यों रोने में यार, मातम करो गिरिया करो, गिरिया करना यही बच्चे का सबब है। अल्लाह ने वजनों में करबला बीबी कहती है अब्बास से पूछ कर बताना, अब्बास के तेरी आकाजादी तेरी वो बहन वो भी पैदल चल कर ही आए, उसके लिए भी यही कानून है। अल्लाह ने वजनों में करबला, मगर बीबी ने कहा काफिला जरा आगे बढ़ा तो बीबी जैसे ही कब्र अब्बास के करीब पहुंची तो बीबी ने अपने आप को नामने से ऐसे गिराया जैसे बेबाजू अब्बास ने अपने आप को जमीन पर। अलदारा ने मजलूम करबला बीबी ने भरे घर का पुरसा दिया, पूरा हाल सुनाया। जब लौट कर मदीने आया है यह काफिला तो ऐसा ही मजमा लगा हुआ था कि हुसैन वापस लौट कर आ रहे हैं, मगर वो खुशी एकदम मातम तब्दील हो गई जब बशीर ने आकर ये सलाह दी, ऐ शहर मदीना शहर मदीना
भरे भरे को लुटा आई है सेना ए शहर मदीना जंग जंगल में भरे आसरा देती हुई आई है मजलूम में करबला कहीं नहीं घबराई अली की बेटी घबराई कहा अब गिरिया और मातम कर रहा मुझे नहीं पता तुम कितने सख्ती से सुनते हो या कितनी नरमी से किसके दिल में जितनी मार्फत होती है वो वैसे ही गिरिया करता है जुमले बड़े सख्त है खुदा तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे करे कभी किसी यतीमा पर ये वक्त आए बीबी कहती है मैं एक जगह घबराई कि जब दरबार यजीद में ये सदा बुलंद हुई आ जा तू कनीजी इतनी आवाज से बुलंद आवाज से रोने के शाम शादी बीबी तुम्हें अपने रोजे पर बुला ले आ जा तू कनीजी पिछले साल भी पढ़े थे इस साल भी पढ़ते हर साल ये पढ़ता हूँ कि जब ये काफिला लौट कर आया तो हजरत अब्दुल्ला ने जनाबे इमाम जरनाबदीन से कहा वाला वाला ये बताइए कि अपनी फूफी अम्मा से जरा सिफारिश कर दीजिए कि फूफी अम्मा से कहिए लौट कर घर को आ जाए काफी दिन हो गए हैं आप लौट कर मदीने तो आ गई घर बड़ा वीरान है घर को थोड़ी सी रौनक दे दीजिए अदारों मजलूम करबला सैयद सज्जाद ने पैगाम दिया वह हजरत अब्दुल्ला एक दिन नमाज पढ़ रहे थे मुसल्ले पर हजरत अब्दुल्ला ने देखा नमाज से फारिग हुए देखा चौखट पर एक बीबी बैठी है हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि उसकी आँख आज सर झुका हुआ था हजरत अब्दुल्ला ने कहा ऐसे बैठी हुई थी जैसे कोई मजदूर कुछ मांगने आई हो कोई गरीब मिस्कीन हो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐ औरत ऐ मजदूर अगर कुछ मांगने आई है तो ये दरवाजा ये नहीं है असल मदीने के वारिस लौट कर आ गए हैं तो उनके दरवाजे पर जा तेरी झोलियां भर देंगे अल्लाह आसमान की तरफ बीबी ज़ैनब ने बाल खोल कर कहा या हुसैन तेरे पेट में शाम में क्या गुजर गई मेरे तुम्हारे मुझे नहीं पहचाना ये जुमला था हजरत अब्दुल्ला द्वार कर बीबी को लेकर आए
बीबी को भरे घर का गुस्सा दिया, बीबी से हुसैन का हाल सुना, बीबी ने इमाम हुसैन अलैहि सलाम की तरफ मसाई बयान किए, हजरत अब्दुल्लाह का दरबार रोए बार रोए, बीबी ने कहा मेरा भाई भूखा प्यास का मर गया, हजरत अब्दुल्लाह ने अब्बास के बारे में पूछा, अब्बास के बाद मालूम हो गया सर में गोली लगा आग में तीर लगी, अब किस तरह बीबी ने सबके हाल बताए, पास से निकले हो गए ऊपर के मेरे चले पर छिले छिले सर के तीर लगा, आखिर में हजरत अब्दुल्लाह ने सबका पुरसा दिया और आखिर में पूछा बीबी अब मुझे ये बताइए हमारे दो बच्चे और मोहम्मद का हाल सुनाइए, बीबी कहती है और मोहम्मद ने भी हक अदा कर दिया, हां पूरा बस मैं एक बात कहना चाहती हूं, जब 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 मेरे और मोहम्मद आखिरी खुलसे के लिए मेरे पास की अलविदाई के लिए मेरे पास आए, आखिरी सलाम के लिए आए, मेरी तरफ देख रहे सारे नजारों, बीबी कहती है, बीबी कहती है अब्दुल्ला हमारे बच्चों ने दोनों हाथ पेशानी पर रखे हुए थे और कहते थे अम्मा मदीने जाकर हमारे बाबा को हमारा सलाम दीजिएगा, हाँ नजारों जैसे आप रोए हजरत अब्दुल्ला चीख मार कर रोए, इतना रोए कि बेहोश हो गए, जब होश में आए तो बीबी जैनब ने एक सवाल किया, अब्दुल्ला महसूस ना करे तो एक सवाल करना चाहती हूँ, हजरत अब्दुल्ला ने कहा बीबी फरमाइए, बीबी कहती है अब्दुल्ला आज पता चल गया, आज यकीन हो गया कि अपनी औलाद आने वाली है, जरा सुनना बीबी कहती है आपकी औलाद इतनी होती है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं बीबी इस लहजे में पहले कभी आपने गुफ्तगू नहीं की, बीबी क्या वजह है, कहती है क्यों ना करूं, मेरे हुसैन की मजलूमियत कम थी कि तुम इतना नहीं रोए बेहोश हो गए, मेरे अब्बास की मजलूमियत कम थी, कासिम का गम कम था, अली अकबर का गम, अली अजहर का गम कम था, अपनी औलाद की बात आई तो इतना रोए कि बेहोश हो गए, अब जब आप सुना जरा रो हमने हजरत अब्दुल्ला कहते हैं बीबी मुझे तेरी अजमत की कसम है मैं अपने बच्चों मेरे कल्ब का जीने नहीं देगा है जुल्म ऐसा तमाम शेर के सर के तमाम सिख मस्जिद को आजादी दिलाने का तमाम लोग बीबी कभी ये जख्म मेरे कल्ब का जीने नहीं देगा